नमस्कार। पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आपने ये वेबिनार को अटेंड करा। आप लोग अपने स्पीकर्स को म्यूट पे लगा दीजिए क्योंकि पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। आप ये राजकुमार जी आप म्यूट कर लीजिए जी। थैंक यू। तो कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज, एक हमारा वेबिनार ऑलरेडी हो चुका है एस्ट्रो वास्तु पे। ये सेकंड वेबिनार है एस्ट्रो वास्तु पे। आज हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे हिट थ्योरी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ हाउस लॉर्ड्स के इम्पोर्टेंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शंस जो वास्तु में होती है। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को लोग दो अलग अलग साइंसेस बोलते हैं। वो दो अलग अलग साइंसेस नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्लीज जिसका भी ये ऑन है तो ये पैराडॉक्स है। थैंक यू। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये जो वर्ड वास्तु है ये संस्कृत वर्ड वस् धातु से डिराइव्ड है, उसका मतलब होता है जिंदगी, लाइफ। ये पांच तत्वों पे बेस्ड है, ये फाइव एलिमेंट्स। ये जो फाइव एलिमेंट्स होते हैं हमारे वास्तु के, आप लोगों को पता ही है, पृथ्वी होती है, एक तत्व, जल होती है, वायु होती है, अग्नि होती है, और एयर साइन होता है यानी कि वायु होती है, आकाश भी एक तत्व होता है। तो इन पांच तत्वों की जो बैलेंसिंग है उसे हम वास्तु बोलते हैं। अब इस वास्तु पुरुष मंडल में अगर ये सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाएं, तो आपके जीवन में आप पाएंगे कि पीस रहेगी, खुशियां रहेंगी, हार्मनी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी धन दौलत आएगी, आपका मेंटल पीस रहेगा। ये सारी चीजें आपके जीवन में रहेंगी अगर ये पांच तत्व बैलेंस रहेंगे। एक भवन का निर्माण करना वास्तु की एक आर्ट है या वास्तु की एक कला है, और इस वास्तु पुरुष मंडल का पूरा जो भगवान है जैसे मैंने आपको पिछली बार क्लास में बोला था उस कहानी के माध्यम से कि वास्तु पुरुष ही इस वास्तु पुरुष मंडल के कंट्रोलर हैं।
और ये वास्तु पुरुष मंडल जो है ये पृथ्वी पे हमारे सब जगह मौजूद है, हर जीव में भी है और हर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी है। और ये पांच तत्व भी सब जगह मौजूद है। अब बहुत बार आप जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदने के बाद ही या लैंड खरीदने के बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं आप लोगों को। किसी के घर में मृत्यु ज्यादा होने लग जाती है, किसी के घर में खुशियां चली जाती हैं, लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो इसका अध्ययन आप कैसे करेंगे, कौन सी जमीन आपके लिए शुभ फल लाएगी, कौन सी जमीन आपके लिए या कौन सी भूमि आपके लिए बुरे फल या बुरे परिणाम देगी। वास्तु हम कहते हैं फर्टाइल लैंड या फिर लाइव लैंड। लाइव लैंड का अर्थ यह है कि जहां पेड़ पौधे उगते हों, यानी कि उपजाऊ मिट्टी हो। इन अ वे आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को भी हम लाइव लैंड बोल सकते हैं। अगर कोई आप इस भूमि पे अपने भवन का निर्माण करते हैं तो आपके जीवन में ऐसी भूमि खुशियां लाती है, प्रॉस्पेरिटी लाती है, हार्मनी लाती है आपकी जिंदगी में और पीस लाती है। अगर कोई दूसरी प्रकार की जो भूमि होती है उसको हम डेड लैंड या बैरन लैंड बोलते हैं। बैरन लैंड वो होती है जहां पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, छोटे छोटे श्रब्स उगते हैं। तो अगर आप ऐसी भूमि पे निर्माण करेंगे तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर के उन पे बुरा असर आएगा अगर आप इस भूमि पे अपने भवन का निर्माण करते हैं। तो जो बैरन लैंड या डेड लैंड है वो रिकमेंडेड नहीं होती है। इन दोनों लैंड्स के अलावा कोई लैंड उबड़ खाबड़ होती है, अनइवन होती है या दीमक होती है उसमें, या सांप वगैरह बिच्छू वगैरह रहते हैं, तो वो वाली भूमि भी आपको दुष्ट प्रभाव यानी कि उस भूमि के जो एनर्जीज हैं वो खराब होती हैं, क्योंकि सांप वगैरह अगर हो, बिच्छू वगैरह हो जमीन पे और अनइवन लैंड हो तो ये दुश्मनों को निमंत्रण देती है ऐसी जमीन। अगर आप ऐसी जमीन पे अपना भवन का निर्माण कर लेंगे तो आपके दुश्मनों को ऐसी जमीन इनवाइट करती है। आपने देखा होगा कोई जमीन पे अगर नेवले रहते हैं, नेवले समझते हैं मोंगूस, अगर आप नेवलों वाली जमीन या मोंगूस वाली जमीन पे अपने भवन का निर्माण करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जमीन आपके लिए शुभ फल लाती है। इसका कारण यह है कि जहां नेवले रहते हैं वहां सांप और बिच्छू नहीं रहते, क्योंकि नेवले सांप और बिच्छुओं को खा जाते हैं। सांप बिच्छू एक राहु की एनर्जी है और ऐसी भूमि पे बुरी आत्मा या इविल स्पिरिट्स का भी निवास नहीं होता।
तो ये भूमि आपके लिए अच्छी है, फैमिली मेंबर्स के लिए, जो लैंडलॉर्ड होता है फैमिली का उसके लिए भी अच्छी है। तो ऐसी भूमि पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरी जो गौशाला शुक्र गाय है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, तो अगर गौशाला पे आप निर्माण करते हैं तो ये भूमि भी आपके लिए लाभ लेके आएगी, धन दौलत लेके आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। बट याद रखिए, जहां ये गायें चरने जाती हैं यानी कि खाने जाती हैं, जो ग्रास लैंड्स होती हैं, उन पे अगर आप किसी भी भवन का निर्माण कर देंगे जहां गायें अपना भोजन करने आती हैं यानी कि घास खाती हैं, वो आपके लिए अनऑस्पिशियस लैंड हो जाएगी, यानी कि शुभ फल नहीं देगी वो जमीन आपके लिए। तो ग्रासिंग लैंड्स पे आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। गौशाला में आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, आपके लिए शुभ फल देगी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर घर किसी का गौमुखी होगा तो उस घर के व्यक्तियों को शुभ लाभ मिलेगा, धन दौलत मिलेगी और शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। गौमुखी का मतलब होता है कि कोई भी भूमि या प्लॉट आगे से छोटा हो और पीछे से बड़ा हो। जैसे गाय का मुंह आगे से छोटा होता, पीछे से वो बड़ी होती है। ऐसी अगर कोई भी भूमि जहां हनी बीज रहती हैं, अगर आप वहां भी निर्माण करते हैं अपने घर का, तो ये आपके वेल्थ के द्वार, पैसे का द्वार ऐसी भूमि खोल देती है। अगर किसी भूमि में जब आप उसकी खुदाई करते हैं और आपको उस भूमि के अंदर से गाय के सींग मिलते हैं या फिर टोटोइस की शेल्स मिलते हैं या कोई शंख मिलते हैं, या जैसे पुराने जमाने में लोग अपने सोने को जमीनों में ही दफना देते थे, अगर कोई वैसी जमीन मिलती है तो ऐसी जमीन बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई जमीन में आपको पत्थर मिलते हैं तो ये जमीन पत्थर या ब्रिक्स या फिर पुराने जमाने में जैसे कोई जेम ज्वेलरीज भी होती थी, तो ऐसी जमीन आपके लिए लग्जरीज और कंफर्ट्स लाती है। अगर कोई जमीन जहां ये कुत्ते रहते हैं, सांप रहते हैं, सुअर रहते हैं, पिग्स थे, बिच्छू रहते हैं, अगर आप उस जमीन को ले लेंगे और उस पे आप अपने भवन का निर्माण करेंगे, तो आप पाएंगे कि घर वालों, जो घर के फैमिली मेंबर हैं, उनकी हेल्थ खराब रहेगी, वो एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे, ड्रग्स लेंगे, उस घर में शराब का सेवन ज्यादा होगा, गैम्बलिंग करेंगे उस घर के लोग। तो ऐसी भूमि को आपने ऐसी भूमि पे निर्माण नहीं करना है। अगर कोई भूमि
जिसमें शीशे मिले, लोहे का सामान मिले जो निकले, तो ऐसी जमीन अगर आप इस भूमि पे अपने भवन का निर्माण करेंगे, या काले कपड़े मिले, आपने खोदा, खुदाई करी, कांच के टुकड़े निकले, काले कपड़े निकले, तो ये आपके लिए बैड लक लाएगी, मिसफॉर्च्यून लाएगी, जो फैमिली मेंबर हैं उनको नुकसान होगा और उनको लॉस होगा। तो ऐसे आप भूमि का निर्माण कर सकते हैं। इस कोर्स जो हमारा चालू होगा, इस 16 तारीख से चालू हो रहा है, इसमें 20 क्लासेस हैं इस कोर्स में। इस कोर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, इसका जो एक्सचेंज प्राइस है या एक्सचेंज एनर्जीज है इस कोर्स की 19,600 है। इस कोर्स के साथ आपको जो एडवांस रिस्टवॉच पद्धति है, जो हमारा 8,000 का कोर्स था, वो निशुल्क मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी कि 1+1 ऑफर रहेगी आप लोगों के लिए, जो भी इसको ज्वाइन करेगा उसको रिस्टवॉच का कोर्स फ्री मिलेगा। और ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स भी वो कर पाएगा, यानी कि एक तीर से दो निशाने। तो चलिए, अगर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, आप लोगों ने वेस्टर्न हिट थ्योरी के बारे में सुना है। वेस्टर्न हिट थ्योरी क्या कहती है? वेस्टर्न हिट थ्योरी बोलती है कि एक प्लैनेट और दूसरे प्लैनेट के बीच में क्या संबंध है। अब ये संबंध फेवरेबल भी हो सकते हैं, और नॉन फेवरेबल भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जैसे पराशरी में अगर हम बोलते हैं, मेष लग्न की एक पत्रिका है, चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप लोग यही बोलेंगे कि चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, तो घर को मजबूती प्रदान कर रहा है। उस घर के जो कार्य हैं, चौथे घर के, जो सुखों का घर है, लग्जरी कंफर्ट्स का घर है, कंस्ट्रक्शन का घर है, भूमि का घर है, आपकी मन की शांति का घर है, गति का मार्ग का घर है, उन सबके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे पराशरी में, आप यही बोलेंगे। अगर यही मेष लग्न की पत्रिका हो, वेस्टर्न हिट थ्योरी क्या बोलती है? वेस्टर्न हिट थ्योरी में जो दृष्टियां होती हैं, ये एस्पेक्ट्स होते हैं, वो इन हिट के माध्यम से ही होते हैं। जो भी एक एंगुलर डिस्टेंस होता है प्लैनेट्स के बीच में, उनको हम दृष्टियां बोलते हैं वेस्टर्न हिट थ्योरी में। अगर मेष लग्न की पत्रिका है, चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री 60 डिग्री है, और जो चौथे भाव की कस्पल डिग्री है वो 12 डिग्री है, तो आप पाएंगे कि चंद्रमा 180 की हिट बना रहा है।
आप जब तक उस हिट को ट्रीट नहीं करेंगे, इस व्यक्ति की मन की शांति भंग रहेगी, इसकी सुख कंफर्ट्स लग्जरीज में कमी आएगी, माँ की हेल्थ खराब रहेगी, एक तरह से इसकी मातृभूमि पे ग्रहण लग जाएगा। क्योंकि वेस्टर्न हिट थ्योरी सिंपल एक चीज बोलती है कि अगर नेगेटिव हिट होगी तो वो प्लेनेट अपना बुरा असर या बुरा प्रभाव उस घर पे देगा या उस प्लेनेट पे देगा। अब इसमें दो प्रकार की हिट्स होती हैं। एक होती है प्लेनेट टू प्लेनेट, भाई चौथे भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, कोई दसवें में बैठा है और उनकी डिग्रीज 180 का टॉलरेंस जोन बना रही है, बट इसमें वेरिएशन है 180 में, आप प्लस माइनस 8 लिख सकते हैं 180 की हिट में, यानी कि 172 से लेके 188 तक वो हिट कहलाएगी 180 की। 180 की हिट है किलर हिट, जानी दुश्मन, मार दूंगा या मर जाऊंगा, यानी कि उसने भी AK-47 टांग रखी है और आपने भी टांग रखी है, कौन पहले गोली चलाता है बस फर्क इतना है, उसने चलाई तो आप शहीद हो जाओगे, आपने चलाई तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो जब तक आप इस हिट का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आपको उस घर के परिणाम पर शुभ फल नहीं मिलेंगे। ये 180 की एक नेगेटिव हिट होती है। एक और नेगेटिव हिट होती है जिसे हम 90 डिग्री की हिट बोलते हैं। 90 डिग्री की हिट, मान लीजिए कोई ग्रह थर्ड हाउस में बैठा है तो अपने से तीन घर आगे वो, यानी कि छठे भाव में वो हिट देगा 90 डिग्री की। अब छठा भाव आप लोगों को पता है कि किस चीज का है, छठा भाव आपकी नौकरी का है, बीमारी का है, रोग ऋण रिपु का है। छठा भाव यूज हाउस ऑफ मनी भी है, छठा भाव आपका जॉब का है, छठा भाव आपका डेली रूटीन है, छठा भाव आपकी जिमिंग एक्सरसाइज का है, कोर्ट कचहरी का है, छठा भाव आपके विचारिक मतभेदों का है, छठा भाव डे टू डे प्रॉब्लम्स का है। तो जब कोई प्लेनेट तीसरे भाव में जो अपना दम है, अपनी अट्रैक्शन है, वहां से अगर छठे भाव के साथ 90 डिग्री का एक एंगुलर डिस्टेंस बनाएगा तो पाएंगे अगर ये व्यक्ति जॉब कर रहा होगा इसकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसकी कोई पेमेंट आ रही होगी पेमेंट रुक जाएगी, छठा घर पेमेंट का भी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति वहां से खर्चा करता है छठे भाव से अपने, तो उस व्यक्ति की पेमेंट रुक जाएगी, उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपनी स्पाउस के साथ या और लोगों के साथ हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का कोई योग बन सकता है, तीसरा घर डॉक्यूमेंटेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है, छठा घर आपका डेली रूटीन है, आपकी डेली प्रॉब्लम्स हैं,
डे टू डे प्रॉब्लम हम छठे से दिखते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब तक आप इस हिट को ट्रीट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, तब तक आप कुछ शुभ फल उस घर के नहीं मिलेंगे। एक और हिट होती है जिसे हम 45 डिग्री की हिट होती है, और ये जो 90 डिग्री की हिट है इसका जो टॉलरेंस जोन है प्लस माइनस 5 है, यानी कि 85 से लेके 95 के बीच में ये हिट को हम मानेंगे। 45 की हिट जो होती है, वो जो हिट होती है वो एक बड़ी इरिटेटिंग हिट होती है। 90 डिग्री की हिट को हम बिटर एनिमी बोलते हैं, 180 की हिट को हम किलर एनिमी बोलते हैं, जानी दुश्मन मार देगा, ये बिटर एनिमी है 90 डिग्री का। 45 डिग्री की हिट एक इरिटेटिंग हिट होती है, जैसे मच्छर आपके कान के आसपास गुनगुनाता रहता है, वो इरिटेटिंग वाली हिट होती है। इस हिट में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो मैं बताऊंगा कि क्योंकि आप एक घर आगे नहीं मूव कर सकते, अगर उसी घर में जाओगे तो सेम घर में आ जाएंगे वो। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। जी सॉरी, तो ये 45 डिग्री की हिट होती है, इरिटेटिंग हिट होती है, ये एनिमी की हिट होती है, इसको हम एनिमी बोलते हैं। अब उसके बाद पॉजिटिव हिट्स, 120 डिग्री की हिट पॉजिटिव हिट कहलाती है, यानी कि 120 डिग्री का एंगल एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ या एक प्लैनेट एक घर के साथ अपने से पंचम में बनाएगा, यह पंचम में बैठा हुआ प्लैनेट नाइन्थ हाउस से बना लेगा, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट पहले भाव से बना लेगा। तो 159 का जो ट्राइन है उसको हम 120 डिग्री की हिट बोलते हैं, ये पॉजिटिव हिट होती है, शुभ हिट होती है। इस हिट को हम कहते हैं सोलमेट की हिट होती है। ये यानी कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, वो 120 डिग्री की हिट को बोलते हैं। तो ये सोलमेट की हिट होती है। अगर कोई भी प्लैनेट, जैसे हम लाल किताब में बोलते हैं कि हर ग्रह की अपने से पंचम में बैठा हुआ ग्रह उसकी मदद करता है और अपने से नौवां ग्रह उस ग्रह की बुनियाद होती है, ऐसी बीएनएन में 159 में बैठे हुए प्लैनेट्स अपनी एनर्जी एक्सचेंज 100% करते हैं, पूरा असर देते हैं। जो दूसरी पॉजिटिव हिट है वो 60 डिग्री की हिट होती है, एक एंगुलर डिस्टेंस दो प्लैनेट्स के बीच में या एक प्लैनेट और एक भाव के बीच में, अगर वो एंगुलर डिस्टेंस 60 डिग्री का बनाएंगे तो वो बेस्ट फ्रेंड की हिट होती है और ये शुभ हिट होती है, अच्छी हिट होती है। 120 की हिट में जो टॉलरेंस जोन है, वेरिएशन जोन है वो प्लस माइनस 8 का है, यानी कि 172 से लेके 180 तक हम उसको
गुड हिट्स या सोलमेट हिट में कंसिडर करेंगे। 90 डिग्री की जो हिट है उसमें हम प्लस माइनस 5 का टॉलरेंस जोन लेंगे, यानी कि 85 से लेके 95 तक उसको हम हिट को कंसिडर करेंगे। 30 डिग्री की हिट भी पॉजिटिव हिट है, उसको हम फ्रेंड की हिट बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार की, और इसकी जो टॉलरेंस जोन है प्लस माइनस 3 है, यानी कि 27 से लेके 33 तक है। ऐसी जो 45 की नेगेटिव हिट थी उसकी भी जो टॉलरेंस जोन है प्लस माइनस 3 है, यानी कि 42 से लेके 48 के बीच में अगर वो हिट आ रही हो तो नेगेटिव हिट कहलाएगी। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका फर्स्ट लॉर्ड यानी कि आपका लग्नेश, ये केपी चार्ट से देखिएगा क्योंकि अभी हम एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं, इसमें हम केपी का इस्तेमाल करेंगे। लगन चार्ट से हम राशिज लेते हैं, हम दृष्टियां देखते हैं, हम युति देखते हैं। केपी चार्ट से हम, क्योंकि ये प्लिसीडियस हाउस प्लेसमेंट के बारे में बात करता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, वो अंडाकार है। तो जब आप किसी भी गोलाकार शेप को काटेंगे 12 भागों में तो आप लोगों को इक्वल 12 भाव 30 डिग्री के मिल जाएंगे। जब आप किसी अंडाकार की शेप को काटते हो तो आपको इक्वल भाव नहीं मिलते हैं, कोई भाव बड़ा होता है, कोई भाव या घर छोटा हो जाता है। इस बेस पे प्लिसीडियस हाउस प्लेसमेंट की वजह से कृष्णमूर्ति जी ने बोला कि प्लैनेट भले ही आपका लग्न में बैठा हो, केपी चार्ट में अगर वो 12 में शिफ्ट हो गया तो वो आपको रिजल्ट 12 भाव के ज्यादा देगा बृहस्पति की लग्न के रिजल्ट देने के। आप ये मानिए जहां भी आपका लग्नेश बैठेगा कुंडली में, आप उस घर से वहां उम्र बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आपका लग्नेश 7 भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति का जो झुकाव होगा, जो इंक्लिनेशन होगा या जो माइंडसेट होगा वो व्यापारिक माइंडसेट होगा। ऐसा व्यक्ति अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, उसका इंक्लिनेशन रहेगा। ऐसा व्यक्ति अगर मार्केट में भी जाएगा तो उसको किसी ना किसी की कंपनी चाहिए। कंपनी क्यों चाहिए? क्योंकि 7वां घर दूसरा व्यक्ति है, फिर लगन लॉर्ड 7वें बैठ गया। ऐसा व्यक्ति अपनी स्पाउस से अट्रैक्टेड रहेगा, उसका अट्रैक्शन बना रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति तहां उम्र अपनी 7वें घर की एक्टिविटीज से बाहर नहीं आ पाएगा। अब ऐसे ही अगर आपका लगन लॉर्ड 5म भाव में बैठ जाएगा तो 5म भाव आप लोगों को पता है किस चीज का है? क्रिएटिविटी का है।
स्टॉक मार्केट का है, आपके पास्ट कर्मास का है, संतान का है, आपकी मौज मस्ती का है, मन की मनोरंजन का है, मन की सस्टेनेंस का है, प्यार का घर है, लव अफेयर्स का घर है, आपकी मन की शांति चौथा घर है, आपकी मन की सस्टेनेबिलिटी पंचम भाव है। मैं बहुत बार बोलता हूं कि भैया पंचम घर को डील मत बनाइए, वहां फील बना के रखिए, क्योंकि पंचम घर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति आपकी इच्छा पूर्ति नहीं है। अगर आप पंचम घर में प्यार को हटा देंगे तो वहां डील रह जाएगी, फील निकल जाएगी। आपकी वाइफ या आपका स्पाउस रो रहा है, आपने अपना रुमाल दिया, उसके आंसू पहुंच दिए, आंसू तो पहुंच दिए, बट अगर वो कोई रो रहा है आपकी स्पाउस या आपकी वाइफ रो रही है और आप जाके उसको गले लगा लेते हैं तो किसमें मजा है, रुमाल देने में या गले लगाने में? फील, वेयर देयर इज फील इन द फिफ्थ हाउस देयर इज नो डील, वेयर देयर इज अ डील देयर इज नो फील, फील मींस नो लव। तो आप लोग पंचम घर को, क्योंकि ये धी का घर है, बुद्धि का घर है, अगर बुद्धि किसी की खराब हो गई, ये घर में इतनी ताकत है कि आपको पागल बनाने की ताकत भी यही घर रखता है। जिस व्यक्ति की बुद्धिहीन हो जाती है ना, पागल खाने में मिलता, क्योंकि तभी आप देखते हैं कि लोग बोलते हैं भैया ये तो प्यार में पागल है, ना इसे दिन का पता है ना इसे रात का पता है, सिर्फ एक ही चीज पता है, प्यार प्यार प्यार। ये घर की मार है पंचम की। तो इसलिए अगर आपका पंचम घर में लग्नेश बैठा है किसी का भी, यहां संभावना है भाई उसकी लव मैरिज हुई हो, मौज मस्ती में ज्यादा रुचि रखता हो, स्टॉक मार्केट की तरफ इंक्लिनेशन हो, प्रथम संतान से बहुत ज्यादा लगाव हो, किसी प्रकार की हायर स्टडीज में वो रुचि रखता हो, क्योंकि पास्ट कर्मास का घर है, लक्ष्मी स्थान है, बहुत अच्छा घर है, तो ये क्रिएटिविटी का घर है, स्किल्स का घर है। ऐसे व्यक्ति बड़े क्रिएटिव होते हैं, इनमें आर्टिस्टिक टैलेंट्स होता है। तो अगर यहाँ कोई बैठा है जिसका लगन लॉर्ड पंचम में है, कोई हाथ उठाएगा? किसी का भी नहीं है क्या? चलिए, ये घर दिनेश जी का है, तो ठीक है दिनेश जी, आपने क्रिएटिव टैलेंट है, अगर आपका लगन लॉर्ड पंचम में बैठा है, आप अपने भीतर की क्रिएटिविटी ढूंढिए। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, चंद्रमा आपका लगन लॉर्ड है, पंचम भाव में बैठ गया, तो व्यक्ति की जो मन होगा ना बड़ा क्रिएटिव होगा, चंद्रमा मन है, तो वो कुछ भी ऐसी क्रिएटिविटी की मन से कल्पनाएं करके जैसे कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु का योग है, तो अभी जैसे मैं क्रिएटिविटी की बात करता हूं, तो चंद्रमा क्या है? जल। केतु क्या है? स्पिरिचुअलाइजेशन। तो जिस जल में स्पिरिचुअलाइजेशन हो उसको आप क्या बोलेंगे? चंद्रमा
चरणामत यानी कि गंगा जल, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी है, ऐसे आपको क्रिएटिविटी बना सकते हैं आप। चंद्रमा जल है, केतु नेचर है, स्पिरिचुअलाइजेशन है। तो जो जल है, पवित्र जल, गंगा जल, वो केतु और चंद्र का संगम है। अगर आपकी इस ट्राइन में मान लीजिए शनि चंद्र केतु है, तो अगर आप गंगा स्नान करेंगे तो आपके कर्मों में तरक्की होगी, आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अगर आप की कुंडली में शुक्र चंद्र केतु की युति है, तो अगर आप गंगा स्नान करेंगे तो आपकी धन दौलत बढ़ेगी। तो जहां भी पहला लॉर्ड बैठेगा उस घर से, जैसे दिनेश जी हैं, अपनी प्रथम संतान से बहुत इनको प्यार होगा, मौज मस्ती लेने वाले व्यक्ति होंगे ये, ठीक है। इनकी रुचि स्टॉक मार्केट की तरफ हो सकती, क्रिएटिव होंगे, मन का मनोरंजन पंचम भाव है, ठीक है, एंटरटेनमेंट पंचम भाव है, बच्चे पंचम भाव है, किसी प्रकार की हायर लर्निंग पंचम भाव है, स्पेक्यूलेशन पंचम भाव है, तो इन सब चीजों में रुचि रह सकती है आदमी। स्पोर्ट्स पंचम भाव है, तो स्पोर्ट्स में भी रुचि होगी आपकी। स्पेक्यूलेशन में है, इसमें है स्पेक्यूलेशन में, कैलकुलेशन नहीं, स्पेक्यूलेशन सर, स्पेक्यूलेशन वही है ना, मैं कह रहा हूँ ना कि आप उम्र भर निकल नहीं पाओगे ना, आप जितना चाहोगे वो घर आपको दोबारा खींच लेगा, क्योंकि लगन आप हो, आप पंचम में बैठ गए, आप कहां उम्र उस घर से नहीं निकल पाएंगे। चलिए ये फर्स्ट लॉर्ड की हम क्यों, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि पहला घर स्वयं को दर्शाता है, अच्छा हेल्थ को दर्शाता है, पंचम भाव रिकवरी ऑफ हेल्थ है, और मेरा सिंह लगन है सर, ठीक है, क्योंकि बीमारी छठा है, पंचम भाव रिकवरी का है। तो अगर आप बीमार भी पड़ेंगे बड़ी जल्दी ठीक हो जाते होंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, टच वुड होता नहीं वैसे, ठीक है। तो जो आदमी अगर 10 गोली खा के ठीक होता है, आप 2 गोली में ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अगर हम बात करें किसी का वेल्थ के बारे में, वेल्थ का घर आप लोगों को पता है कौन सा है, दूसरा भाव है, सेकंड इलेवेंथ। अगर दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाएगा तो भैया आप क्या बोलोगे, भाई इसकी तो वेल्थ में ही प्रॉब्लम आ गई, यही बोलेंगे ना कि भैया वेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये व्यक्ति अष्टम भाव के कार्य करेगा, यानी कि दूसरा भाव का स्वामी आपको सिंपल एक चीज बता रहा है, जहां भी दूसरे भाव का आपकी कुंडली में स्वामी बैठेगा उस घर से आपको वेल्थ मिलेगी। देख लीजिए अपनी कुंडलियों में, अगर आप उस भाव से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए अष्टम में बैठ गया, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप अंडर अर्थ का काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च बेस कर रहे हैं काम, तो आप ने अपनी कुंडली की ऑलरेडी अलाइनमेंट कर ली है। अब हम सब एस्ट्रोलॉजर्स के लिए आप कहते हो कि अष्टम भाव इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दूसरा लॉर्ड अष्टम में बैठा है तो आप धन जरूर कमाएंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, बट दूसरा घर जेम ज्वेलरीज का भी है,
आपको रतन बेच के, जेम स्टोन्स बेच के आप धन अर्जित कर पाएंगे, बट तब कर पाएंगे जब आप आठवें घर की रिसर्च करेंगे। बिना रिसर्च के ये घर आपको राजा नहीं बनाएगा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए हमें अपना पांचवा घर, नौवां घर अच्छा चाहिए। जिस व्यक्ति का पांचवा घर अच्छा है, क्योंकि पांचवा घर सॉल्यूशन गिविंग है, लक्ष्मी स्थान है, और नौवां घर भाग्य स्थान है, पितरों का आशीर्वाद है, कंसल्टेंसी है, टीचिंग है। तो अगर आप लोग, जिस भी व्यक्ति का दूसरा घर, पांचवा घर और नौवां घर अच्छा होगा और अष्टम से संबंध बना रहा होगा, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। बट आठवें घर की, नौवां घर अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपका सेकंड लॉर्ड नाइन्थ में बैठ गया है और आप ऑकल्ट का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये उसको नेगेट करेगा। कारण ये है कि नवम से बारहवां घर अष्टम है। जब तक आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च नहीं लाएंगे, अष्टम को यूटिलाइज नहीं करेंगे टेक्निकली किसी भी भाव से, तब तक आपको अष्टम भाव के शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपका सेकेंड लॉर्ड टेंथ में बैठ जाए, तो वो क्या कह रहा है, भैया कर्म कर ले, पैसा तो तेरी कुंडली में लिखा, पैसा तो तेरे को मिलेगा, बस कर्म करना है, कोई भी काम कर ले, कोई भी कर्म कर ले, पैसा तेरे को मिल जाएगा। अगर आपका सेकेंड लॉर्ड पैसे का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में बैठ जाएगा, तो वो क्या दर्शा रहा है, वो कह रहा है कि भैया अगर आप पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाओगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको स्टेटस मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, अगर आप दसवें घर के कार्यों से जुड़ के काम करोगे। केपी में जो मुख्य भाव हैं, आप लोगों ने केपी में पैसे के मुख्य भाव तीन भाव सुने होंगे, दूसरा घर, छठा घर और ग्यारहवां घर, यही सुना है। बट इसमें आपको सातवां घर भी जोड़ना पड़ेगा और दसवां घर भी जोड़ना पड़ेगा। सातवां घर व्यापार का है, दसवां घर आपके कर्मों का है। तो अगर आपने अपार धन कमाना है अपने जीवन में, तो आपको इन पांच घरों से अपनी कुंडली में पांच घर पढ़ने पड़ेंगे, दूसरा, छठा, सातवां, दसवां और ग्यारहवां। कोई दूसरा घर, यू आपका पैसा है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपके बैंक बैलेंसेस है। छठा घर यूज हाउस ऑफ मनी है, जहां से कस्टमर आके पैसा खर्चता है, जॉब का भी घर है। सातवां घर व्यापार का घर है, दूसरा व्यक्ति है। दसवां घर कर्म भाव है, स्टेटस है। ग्यारहवां घर आपके एम्बिशन है, इच्छा पूर्ति है। आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप सातवें घर को देखोगे। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और आपके पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं,
तब सातवें घर को देखोगे। सातवां घर का लॉर्ड जहां बैठेगा उस घर के द्वारा आपको कस्टमर मिलेंगे। सातवें घर का बुनियाद तीसरा घर है, तो आप लोगों को अपना तीसरा घर अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको कस्टमर चाहिए, क्योंकि वही मार्ग है, वही द्वार है आपके कस्टमरों को आने का। मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, आपका सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया है, आप एक मेष लग्न की मान लीजिए पत्रिका बनाइए, आप मंगल को तीसरे घर में बिठा दीजिए, शुक्र यहां आपका सेवेंथ लॉर्ड है, उसको भी तीसरे घर में बिठा दीजिए। नाइन्थ हाउस में आप शनि को बिठा दीजिए। तो अभी मैंने कहा कि जहां भी आपका दूसरा लॉर्ड बैठेगा वहां से आपको धन आएगा, यानी कि इसका दूसरा लॉर्ड तीसरे भाव में बैठ गया तो वहां से धन आना चाहिए, जो हमारे कहने का तात्पर्य है। और जहां सप्तम लॉर्ड बैठा है वो भी तीसरे घर में बैठा है, शुक्र है दूसरा और सप्तम का लॉर्ड, लग्नेश भी तीसरे में बैठ गया, तो इसको धन आना चाहिए भाई तीसरे का अगर ये काम करेगा। और ये व्यक्ति कहता है कि भैया मैं टूर एंड ट्रैवल और मार्केटिंग और कमीशनिंग का काम कर रहा हूं, तो आप तो छूटते यही बोलोगे कि भैया इसको धन लाभ आना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल तो यही कहता है। आप बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई है, बट एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं हुई है, क्योंकि नाइन्थ में बैठा हुआ ग्रह है जो शनि है वो 180 की हिट बना रहा है तीसरे भाव से। नौवां घर किसका है? एथिक्स का है, धर्म का घर है। कभी आप लोगों ने सुना है कि व्यक्ति अगर ज्यादा धर्म कर्म करते हैं तो कंगाल हो जाते हैं? जैसे बृहस्पति 10 के लिए बोला जाता है कि भैया नेकी कर और जूते खा, एक बार नेकी कर एक बार जूता खाएगा, दूसरी बार नेकी करेगा तो दूसरी बार खाएगा। शनि इस कुंडली में कौन सा ग्रहों को रूल कर रहा है? मेष लगन में कर्म भाव को और ग्यारहवें भाव को। ग्यारहवां भाव आपके प्रॉफिट गेन्स है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका एम्बिशन है। तो अगर ये व्यक्ति अपने आप में एम्बिशन नहीं रखेगा, ये धर्म धर्म में पड़ जाएगा, तो ये कंगाल भी हो सकता है। ये बोलती है हिट थ्योरी। आपने तो पराशरी से कह दिया कि भैया ये लगन लॉर्ड भी यहां बैठ गया है तीसरे भाव में, सप्तम लॉर्ड भी बैठ गया, दूसरा लॉर्ड भी बैठ गया और कर्म भाव का भी स्वामी नवम में बैठा है, भाग्य में बैठा है, तो इस व्यक्ति को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए धन इकट्ठा करने में। बट जब तक ये हिट लग रही है इसको, चाहे भले ही उस घर की यूटिलाइजेशन कर रहा है, इसका टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग या कमीशनिंग का व्यापार भी सेट नहीं होगा जब तक ये इस 180 डिग्री की हिट की ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर लेता। सप्तम भाव मैंने कहा दूसरे व्यक्ति का भाव है, तीसरा भाव आपकी अट्रैक्शन है, व्यक्ति की अट्रैक्शन कौन सा भाव हुआ? नाइन्थ हाउस हुआ, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का जो अट्रैक्शन का घर होगा वो
सातवें से तीसरा होगा जो कि नोवा होगा, तो वहां जाके वो अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, और अब जब हम कुंडली को वैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आपका मार्ग तीसरा घर है, यानी कि अगर आप तीसरे घर को इस्तेमाल करेंगे, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका सप्तम लॉर्ड भी तीसरे घर में बैठा है, तो आप ऑनलाइन कोई ऐसी ऐप बनाएं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग के द्वारा आपके पास कस्टमर आएंगे। अब ऐसी अगर हम जॉब के संदर्भ में बात करेंगे, छठा घर जॉब है, मेष लगन की पत्रिका में छठा घर का रूलर बुध होता है और बुध तीसरे भाव में बैठा है। ये व्यक्ति आप बोलोगे भैया अगर तू जॉब करेगा मार्केटिंग से लेके या कमीशनिंग से लेके या किसी एजेंसी बिजनेस में या मीडिया या किसी भी पब्लिकेशन से लेके या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करेगा, कोई टूर एंड ट्रैवल की करेगा, तो बढ़िया चलेगा। ये बढ़िया नहीं चलेगा, क्योंकि अगर नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो इसके साथ हिट बना रहा है, या ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो उसके साथ वो हिट बना रहा है 90 डिग्री की। तो जब तक आप इस हिट की ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तब तक इसका व्यापार या इसकी जॉब अच्छी नहीं चलेगी। आप इसको धर्मा कर्मा अलाइनमेंट से क्या रेमेडी देंगे कि भैया तू बॉम्बे में पैदा हुआ है, तेरा बर्थ प्लेस बॉम्बे है, तेरे को घर से दूर चला जा, तेरी जॉब अच्छी चलेगी। इसकी वो जो हिट है 90 डिग्री की या 180 डिग्री की, उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी इस व्यक्ति की। अगर इसी पत्रिका में अगर बुध छठा लॉर्ड है मेष लगन में और फोर्थ हाउस में बैठ गया, ये सेवेंथ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में बैठ गया, तो आपको अपनी मदरलैंड में ही कस्टमर्स मिलेंगे, आपको घर बैठे ही आपके कस्टमर जाएंगे, आपको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है। क्योंकि मार्ग क्या है कस्टमर के आने का, चौथा घर। चौथा घर क्या है? आपकी मदरलैंड, आपका घर। तो घर पे बैठो, चद्दर टांगो और सो जाओ, कस्टमर अपने आप आ जाएगा, आपको कस्टमर के पीछे नहीं भागना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ धर्मा कर्मा अलाइनमेंट। इससे भी हम अलाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे इन हिट्स की। तो अब हम दो इम्पोर्टेंट हाउसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आठवां घर पीड़ा का है, आठवां घर ब्लॉकेजेस का है, आठवां घर दूसरे व्यक्ति का पैसा है, आठवां घर हर प्रकार की हिंड्रेंस है, आयु का भी घर है, लॉन्जिविटी का भी घर है। तो आठवां घर, जैसे मैं बोलता आया हूं कि अगर देने पे आ गया तो आठवें घर का पैसा नहीं संभलता, अलमारियां छोटी पड़ जाती हैं आठवें घर का पैसा संभालने में, क्योंकि आठवां घर अंडर टेबल इनकम भी है, हर प्रकार की रिश्वत है,
तो वो पैसा संभाला नहीं जाता अगर आठवां घर जिस हम सबका काम कर रहे हैं वो पैसा देने पे आ जाए। आठवां घर आप पाएंगे जितने भी इस दुनिया के रईस लोग हैं वो सब आठवें घर का कार्य करते हैं। आठवां घर मैन्युफैक्चरिंग भी है, अंडरसी अर्थ है, रिसर्च है। या आप अगर देखेंगे कि जितनी भी ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं जो व्यापार करते हैं अंडरसी का, पेट्रोलियम माइंस, मैन्युफैक्चरिंग, कार ऑटोमोबाइल डीलर्स या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सारे आठवें घर के काम है। इंश्योरेंस कंपनीज आठवां घर है। तो जो भी व्यक्ति अगर आठवें घर से जुड़ के काम करता है, ये घर उसको राजा से रंग बनाने की भी ताकत रखता है और रंग से राजा बनाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि आठवां घर सडननेस का घर है। अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे, इट कैन मेक यू अ किंग। बट लोग घबराते हैं आठवें घर से, क्योंकि तो जैसे लाल किताब में बोला जाता है कि ये मृत्यु का घर है, पीड़ा का घर तो है ही। आठवां घर की बुनियाद नौवां घर होता है। हर प्लेनेट की बुनियाद नाइन्थ हाउस होती है। इसलिए चंद्रमा आठवें घर में नीच का होता है और चौथे घर में एग्जॉल्टेशन पाता है, क्योंकि तो चौथा घर एक प्रकार का मोक्ष है। तो आदमी जब मृत्यु पा लेता है तो बारहवां घर भी एक द्वार है, आठवां घर भी द्वार है, चौथा घर भी एक द्वार है। बट सोता कहाँ जाके है? बारहवें में जो नींद का घर हम बोलते हैं, चौथा घर गति देता है कि आपकी मृत्यु का द्वार कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करता है। तो आठवां घर में वो ताकत है। अगर आठवां घर में कोई प्लेनेट बैठा होगा तो दूसरे घर को देख रहा होगा। वो अगर 180 डिग्री का हिट बना रहा है तो आपको धन से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको आठवें घर की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ऐसी बारहवां घर है। बारहवां घर वे का है, लॉसेस का है, बट बारहवां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। बारहवां घर एक एंगुलर डिस्टेंस बनाता है दूसरे घर से 60 डिग्री का। बारहवां घर जो खर्चे का है, इन्वेस्टमेंट का है, वो चौथे घर से 120 डिग्री का एक एंगल बनाता है। बारहवां घर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आठवां घर है। बारहवां घर भी आपको बिलियनर बना सकता है। आपने धन राशि तो कमा ली अपने, जिस भी घर का आप काम कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कौन करेगा? बारहवां घर, आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है तो आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो लॉस का भी घर है, वे का घर है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो आपको बारहवें घर में जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बारहवें घर का नौवां घर कौन सा हुआ? अष्टम भाव।
अष्टम भाव रिसर्च का है, अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करिए तो वो आपको शुभ लाभ देगी, क्योंकि अष्टम घर में वो ताकत है आपको रन से राजा बनाने की। कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए अष्टम की रिसर्च करिए, इसलिए आप देखेंगे कि जितनी ये मल्टी बिलियनर्स हैं वो किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस के काम कर रहे हैं, या पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, या डायमंड्स का व्यापार कर रहे हैं, वो भी तो सब धरती के नीचे से मिलता, जो कि अष्टम घर है। हम अष्टम घर को बुरा समझते हैं, बुराई है। अब इन लोगों के पास भी खाली अच्छी चीजें तो आती नहीं, अब अष्टम का काम कर रहे हैं तो थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स भी आएंगे, पीड़ा भी मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शंस भी आएंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है ना, जो घर देता है वो लेता भी है, या जिस घर से दुख मिलते हैं वही घर आपकी दवा भी बन के काम करता है। बारहवां घर में जो प्लेनेट होगा उस छठे भाव को हिट देता है 180 की। तो ये भावों की प्लेसमेंट्स हैं, ये सब हम चीजें कैसे आप हिट थ्योरी के माध्यम से, कैसे आप धर्मा कर्मा की अलाइनमेंट के माध्यम से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लाइन कर सकते हैं। आप कैसे, हम लोग सब आठवें घर में बैठे हैं, हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बन सकते हैं, हम इस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दूसरे लोगों को सल्यूशन देके कैसे धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से चौथा भाव नवम स्थान है, अष्टम भाव से पंचम भाव 10th house है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने बोला आपको पंचम भाव की जरूरत है सल्यूशन देने की। अष्टम भाव से दूसरा भाव नवम भाव है, मैंने नवम भाव बोला क्योंकि एक घर एनहेंस करता है पावर दूसरे घर की जो उससे आगे होता है, क्योंकि नवम घर पितरों का भी आशीर्वाद है, आपका भाग्य, आपकी किस्मत है, आपकी प्रोस्पेरिटी है। भाई जिसके साथ भाग्य साथ हो तो उसको और क्या चाहिए, कंसल्टेंसी का घर है, नवम घर पब्लिकेशन का घर है। आपका तीसरा घर बताएगा आप कोई भी प्लैनेट की दशा, जहां 3 और 9 आ रहा हो आप उस टाइम किताब लिख सकते हैं, किताब आपकी पब्लिश हो जाएगी। खाली तीसरा घर हैंडराइटिंग का है, आप खाली लिख पाएंगे, पब्लिश नहीं होगी अगर 9th नहीं आएगा। अगर 9th आ रहा है तो आप उस किताब को लिखी हुई अपनी पब्लिश भी कर देंगे उस प्लेनेट की दशा में। तो जो हमारी ये हिट थ्योरी बोलती है, सेम चीज हमारी पराशरी बोलती है। चलिए मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूं, उसके माध्यम से आपको ये हिट थ्योरी भी समझाने की कोशिश करता हूं। ये कुंडली आपके सामने है, ये देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, ये लगन चार्ट है, ये आपका केपी चार्ट है, ठीक है। अभी हम दृष्टि है, मैंने बोला वो हम लगन चार्ट से ही लेंगे, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि इस व्यक्ति का 7th lord कौन है, शुक्र है? हाँ, पहले पराशरी में देखते हैं कि भाई 7th lord शुक्र है, और बैठा कहाँ है, 12वें में और 11वें में,
ग्यारहवें में बैठा है ना शुक्र ये रहा, तो हम क्या बोलेंगे भैया इस व्यक्ति का भाग्य शादी के बाद उज्जवल होगा, इस व्यक्ति को जो धन लाभ होगा या जो वेल्थ मिलेगी शादी के बाद मिलेगी, यही आप पराशरी से बोलेंगे, या इस व्यक्ति को जो वेल्थ प्राप्ति होगी वो क्लब्स पब्स मासिस से होगी, क्योंकि ग्यारहवां घर मासिस का है, उन्हीं से होगी ना, शुक्र कारक वेल्थ का है। सातवां घर व्यापार है, अगर ये व्यापार करेगा तो इसका व्यापार प्रॉस्परस सब करेगा जब इसकी शादी हो जाएगी, ये हमारी पराशरी ने बताया। हमारी हिट थ्योरी क्या बोलती है, 120 डिग्री का हिट या एस्पेक्ट फेवरेबल होता है। ये व्यक्ति अगर मैं यहां से 120 देखूं या शनि बैठ है जो कर्मदाता है, ये 120 डिग्री का हिट बना रहा है, यानी कि एस्पेक्ट दे रहा है, सोलमेट का एस्पेक्ट दे रहा है शुक्र को, तो शादी के बाद इस व्यक्ति का भाग्य उज्जवल हुआ, इसको धन की प्राप्ति हुई। ये एक नॉर्मल मतलब अच्छा था बिजनेस जो ये कर रहा था, एक डायरेक्ट सेल्स एजेंट था बैंकों का, जिसमें कार लोन्स होम लोन्स वगैरह करता था। शादी होने के उपरांत इसने एक मारुति डीलरशिप खोल ली कुछ समय में। क्यों खोली? क्योंकि 120 डिग्री का हिट जा रहा था जो हमारी पराश्री बोल रही है, वही हमारी हिट थ्योरी बोल रही है। इसके व्यापार में प्रॉब्लम आई क्योंकि बृहस्पति शनि को 180 की हिट दे रहा था, व्यापार में काफी प्रॉब्लम आई उस दौरान भी। तो हम अब 180 की हिट यानी कि बिजनेस के हाउस को आ रही है, स्पाउस को आ रही है, स्पाउस के घर को आ रही है, रिलेशनशिप्स को आ रही है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब तक हम इस हिट को ट्रीट नहीं करेंगे, इस व्यक्ति ने अपनी इस हिट को ट्रीट नहीं करा, इसकी 500 करोड़ की कंपनी बंद हो गई। ये करती है हिट थ्योरी। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, मैं हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिट थ्योरी। क्योंकि क्या है कि यहां कंजंक्शन में भी जो सबसे बड़ी युति होती है एस्ट्रोलॉजी में, वो कंजंक्शन होती है। आठवां लॉर्ड भी कंजंक्ट था सप्तम के साथ, आठवें को लेके नहीं चला, आठवें को ही इन्वॉल्व कर लेता तो प्रॉब्लम नहीं आती। बट यहां तो ऐसा है ना कि ग्यारहवें का स्वामी भी एग्जॉल्टेशन में बैठा है, आठवें का भी एग्जॉल्टेशन में बैठा है, लग्नेश भी एग्जॉल्टेशन में बैठा है, फिर भी बंद क्यों हुआ? क्योंकि ये 180 की हिट जो आ रही थी, अब हम इसको हिट को कैसे ट्रीट करेंगे? जो आज तक हमने सुना है, हमने कहा है या पढ़ा है कि भैया ये शनि की अब इसकी दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा अच्छी गई, बुरी नहीं गई, क्योंकि जब भी जुपिटर दृष्टि देता है तो थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, जब शनि मारता है उसकी दशा आई तो शनि को जो कार्य करने हैं वो जुपिटर उसने विलंब डाल रहा है अपनी हिट मार के, या शनि जुपिटर को भाग्य को हिट दे रहा है। वैसे भी यहां से अपनी दृष्टि से नवम भाव को भी देख रहा है, तो हम इस हिट को जो ट्रीट करेंगे वो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि हम
जुपिटर को या तो दो घर आगे ले आएंगे, यानी कि इसके घुटनों पे बोलेंगे कि भैया तू पीला रंग लगा ले, या फिर हम कह रहे हैं कि शनि के घर में नहीं करना, यहां से वो शनि के साथ 120 बनाएगा फिट, या फिर हम बोलेंगे कि भाई जुपिटर को स्वे राशि में डाल दो, यहां से वो 60 डिग्री की बेस्ट फ्रेंड की हिट बना देगा, यानी कि इसके पैरों के तले पे हम पीला रंग लगवा देंगे फीट पे। 12 नंबर राशि आपके पैर होते हैं, इस पे हम पीला रंग लगा देंगे। या फिर ये जो डायरेक्शन है 8 नंबर की, वो डायरेक्शन है आपकी साउथ साउथ वेस्ट, वहां से जो भी जुपिटर का सामान है, पीला रंग है, कोई मंदिर बना रखा है, कोई बेसन के लड्डू पड़े हो, कोई गुरुओं की फोटो पड़ी हो, या कोई सोना रखा हो इसने उस डायरेक्शन में, तो वहां से इसको अपने सोने को हटा देना चाहिए, पीले रंग को हटा देना चाहिए, या तो उसको साउथ साउथ ईस्ट में 10 नंबर राशि में रख दे, स्थापित कर दे उस सामान को हटा के, या फिर वो 5वें घर में स्थापित कर दे जहां राशि आ रही है साउथ ईस्ट। 12 नंबर राशि साउथ ईस्ट होती है। आज तक हमने ऐसे इन हिट्स को ट्रीट करा है, क्योंकि 10th राशि जहां आ रही है वहां से 120 डिग्री का एक एंगल बनाएगा, और जहां 12 नंबर की राशि आ रही है वहां से 60 डिग्री का ये एक एंगल डिस्टेंस बनाएगा शनि के साथ। अगर हम इस व्यक्ति को बोले कि भाई तू सॉल्यूशंस दे, सॉल्यूशंस कौन से घर है, 5वां घर है, तो अगर ये सॉल्यूशंस देगा लोगों को, किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या किसी भी फील्ड के हो, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड हो, तो भी बृहस्पति 60 डिग्री की हिट बना देगा, या फिर ये ऑनलाइन तीसरे घर में बृहस्पति को हम ले आए तो तीसरा घर क्या है, मार्केटिंग है, ये घर से दूर जाके ऑनलाइन का माध्यम यूज करके पढ़ाए, तो भी हम धर्मा कर्मा अलाइनमेंट से इस हिट को अलाइन कर पाएंगे, तो वो जो हिट बन रही थी क्योंकि इसने अपनी जो डीलरशिप भी खोली, इसने अपनी उस टाइम मदरलैंड पे खोली, अगर इसने बाहर खोली होती और उस टाइम इसने अपनी हिट वो बैलेंस कर ली होती जाने या अनजाने में, तो बंद नहीं होती, समझ रहे हैं। ये व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ था, इसने दिल्ली में ही 2-3 डीलरशिप्स खोल ली, इसको क्या करना था, अगर हमने ये ट्रीटमेंट कलर थेरेपी से भी नहीं करनी थी इस आदमी की, तो हम बोलते कि भैया तू अपनी जो डीलरशिप है, क्योंकि तीसरा घर एजेंसी बिजनेस भी है, तू अपनी डीलरशिप दिल्ली से बाहर खोल ले, तो वो जुपिटर जो हिट दे रहा था शनि को 180 की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वेस्टर्न हिट थ्योरी के माध्यम से, वो एक एंगल बना देता 120 का और सोलमेट बना देता, तो पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाती, जुपिटर अपना भाग्य अपनी प्रोस्पेरिटी अपनी किस्मत सत्तम में दे देता,
तो हम इस हिट की ट्रीटमेंट तीन माध्यम से करेंगे, एक कलर थेरेपी के, एक आर्टिकल्स को रिमूव करके के कहां प्लेस करना है, और दूसरा अपना धर्मा कर्मा अलाइनमेंट से। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसके पैरों पे रंग लगाएं, इसकी नीज पे रंग लगाएं, आप साउथ साउथ वेस्ट से बृहस्पति का सामान हटाएं और उसको साउथ साउथ ईस्ट में रखें या फिर साउथ ईस्ट में रखें, वो भी इफेक्ट देंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट जो ये धर्मा कर्मा अलाइनमेंट है वो भी उतनी ही कारगिल सिद्ध होगी जितनी ये नॉर्मल रेमेडीज सिद्ध होंगी। आज तक आप लोगों ने सिर्फ हिट में कलर थेरेपी सुनी है, आपने आज तक हिट में कि इस ग्रह का सामान यहां से उठा के उधर रख दो ये सुना है, या सोर्स प्लेनेट की भी डायरेक्शन से उठा लो अगर वो नक्षत्र बन के रिजल्ट डिलीवर कर रहा है तो, वो हम केपी के माध्यम से सुनेंगे। बट अगर आप धर्मा कर्मा अलाइनमेंट के माध्यम से भी अपनी ट्रीटमेंट कर लेते हो तो भी ये हिट ट्रीट हो जाएगी। तो ये सब हमारे कोर्स का पार्ट रहेगा जो मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। ये जो कोर्स है ये एक्सक्लूसिव कोर्स है एस्ट्रो वास्तु का, 16 तारीख से चालू हो रहा है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 19,600 रुपए है। इस कोर्स के साथ जो भी ये कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको एस्ट्रो वास्तु का कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा, जिसकी 10 क्लासेस हैं एस्ट्रो वास्तु की। और जो एस्ट्रो वास्तु का कंटेंट है वो ये है 10 क्लासेस का, जिस ये हमारा 5 सितंबर को चालू होना था बट थोड़ा डिले हो गया, तो ये 16 को ही चालू होगा ये भी कोर्स। तो बेसिकली एस्ट्रो वास्तु उसको फ्री में ये रिस्ट वॉच और ये सारे चीजें 45 देवता एनर्जीज वगैरह ये सब उसमें भी कवर था, तो वो भी उसको पढ़ाई जाएंगी। और जो इसका कोर्स कंटेंट है ये एक पुरानी पीपीटी है, जो एक कोर्स हमारा खत्म हो चुका था, अभी नई डेट्स नहीं है। ये सारे बेसिक कंटेंट है बट इसमें एस्ट्रो वास्तु के भी कंटेंट्स हम ऐड कर देंगे। इसमें 16 सेशन थे तो अब जो सेशन हो जाएंगे 20 सेशन हो जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन की क्लासेस होंगी इस कोर्स की, और 2.5 महीने में ये एस्ट्रो वास्तु और आपको रिस्ट वॉच पद्धति दोनों आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों से किसी से पूछ लेता हूं कि अगर आप लोगों को अपने घरों की डायरेक्शंस का अंदाजा है और किसी को अगर केपी चार्ट देखना आता है तो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, क्योंकि 360 डिग्री का मैं आपको पहले बेस बता देता हूं, 360 डिग्री का पूरा एक जोन होता है, एक रेडियस होता है। अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, मैं चलो आपको पीपीटी एक दिखाई देता हूं इसकी, अगर हम 360 डिग्री को 12 राशियां होती हैं
अगर हम उनसे डिवाइड कर देते हैं जो 12 घर होता है, तो एक घर की डिग्री लगभग आपको 30 डिग्री मिलती है। हमारे वास्तु में जोन्स, वैसे तो कॉर्डियल डायरेक्शन चार होती हैं और सब कॉर्डियल डायरेक्शन और चार होती हैं, तो 8 डायरेक्शन मेजर होती हैं, बट जैसे महावास्तु है और सबने 16 डायरेक्शन बना दिए हैं, यानी 16 जोन्स बना दिए हैं। तो अगर हम 360 के एक रेडियस को 16 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री का आपको एक राशि का जोन मिलेगा, सॉरी एक डायरेक्शन का जोन मिलेगा। जो भी जोन की डायरेक्शन होंगी उसका जो रेडियस होगा 22.5 डिग्री का होगा। आप इस 16 जोन्स की ये स्टार्टिंग पॉइंट लिखी है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है वो 349 से लेके 11.5 तक लिखी है, तो इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आप लोगों के सवाल लेता हूं और आपको ये जोन्स की डायरेक्शंस क्या करती हैं आपके घर में, कि अगर आप ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो आपका कौन सा घर एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपने बेडरूम में बैठेंगे तो आपका कौन सा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, आपके घर की एंट्रेंस आपके कौन से घर को एक्टिवेट कर रही है उस घर में, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से व्यक्ति की कौन से घर की डायरेक्शन एक्टिवेट हो रही है। तो अगर आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है तो अब आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना, तो मैं आप लोगों से सवाल ले लूंगा। जी, किसी को डायरेक्शंस पता है अभी कहाँ बैठा है वो अपने घर के, कौन से डायरेक्शन में बैठा है? जी दिनेश जी, आप अपने घर के कौन से डायरेक्शन में बैठे हैं? मैं इस समय घर के ईस्ट नॉर्थ में बैठा हूँ। किसमें बैठे हो? ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ये तो कोई नहीं है ना, नॉर्थ ईस्ट में बैठे हो क्या या ईस्ट में बैठे हो? ईस्ट में बैठा हूँ, 70 ईस्ट में बैठा हूँ, 80 डिग्री 79 डिग्री से आप 101 के बीच में बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, 100% ठीक है। तो आपकी अगर आपको चार्ट देखना आता है और आपके पास अपने घर का ग्रिड है तो आप मेरे को बताएंगे कि आपका ये जो डिग्री है ये कौन से भाव में केपी में फॉल हो रही है आपकी ये डिग्री इस टाइम? कौन से भाव में सर ये हो रही है? आपने कौन सा 79 बताया था आपने? 79 से लेके आपने जो मेरे को ईस्ट डायरेक्शन बोली ना, आप ईस्ट में बैठे हैं। यस, 11th हाउस में है सर। 11th हाउस में है ये डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आप बैठोगे आपकी इच्छा पूर्तियां होंगी। जब भी आप इस डायरेक्शन में अपने घर के बैठोगे आपको लाभ मिलेगा, आप एम्बिशियन फील करोगे, यू विल बी ओवर एम्बिशियस इस डायरेक्शन में बैठ के। क्या आपके साथ ये सब होता जब आप इस डायरेक्शन में बैठ के कोई भी कार्य करते हो? क्योंकि मोस्टली वो घर का जो मेरा ऐसे बनता है, मैं जहीं पर बैठता हूँ मुझे जहाँ पर अच्छा एक पॉजिटिव फील करता हूँ, मुझे यही कॉर्नर अच्छा लगता है घर के, तो वहां पर मैं नहीं नहीं मैं तो यहीं पर बैठता है, मुझे एज ए पॉजिटिव फील होती है, जैसे रिलैक्सेशन ज्यादा फील करता है, एनर्जी आएगी ना, एंबिशंस है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन है, आपको लाभ आएगा इस डायरेक्शन में, आप सोशलाइजिंग करोगे इस डायरेक्शन में बैठ के, क्योंकि नौवां घर सोशलाइजिंग का है, सॉरी 11वां घर सोशलाइजिंग, 11वां घर
ठीक है, तो है, जब आप इस सेंसर कर डायरेक्शन में बैठेंगे, आप किसी व्यक्ति से भी सोशलाइजिंग करेंगे, ठीक ठीक है है, एक प्रकार की एंटरटेनमेंट भी है, क्लब्स हैं, पब्स हैं, जब आप इस डायरेक्शन में बैठोगे आपको कोई फोन कर देगा, चलो यार दिनेश जी हाँ घूमने चलते हैं, ट्राई कर ठीक है लेना सर कल। जब ठीक है घर की इस डायरेक्शन में बैठोगे आपका 11वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, जब ये घर एक्टिवेट होगा आप इस डायरेक्शन में बैठ के नुकसान नहीं करोगे, क्योंकि वो ठीक है प्रॉफिट्स का घर है। ठीक है मतलब कि 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपके प्रॉफिट्स हैं, तो जब भी आप सही ईस्ट बात में बैठोगे तो आपका 11वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में अगर आप ईस्ट को कॉन्फिगर कर रहे हैं, एग्जैक्ट ईस्ट है उस है 79 से लेके 101 तक अगर आ रही है वो डिग्री, ठीक है ठीक ठीक है है, तब आप मेरे को बताइए कि आपके साथ जितनी चीजें मैंने बोली उसमें से कितनी चीजें ठीक हैं। हाँ सर पॉजिटिव फील करता हूँ, एनर्जी में लगता हूँ ज्यादा, मतलब माइंड हैप्पी रहता है जहाँ पर बैठने से, तो ये चीजें तो हो रही है। आप हैप्पी रहते हैं, एनर्जी एनर्जेटिक रहता हूँ जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर बैठ के मैं, मतलब मैं 10 घंटे भी, मैं कोई भी जैसे कोई वीडियो वॉच कर सकता हूँ 8 घंटे। कल मैं रात को बैठ रहा है तो 8 घंटे बैठ रहा है, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ थकावट ही नहीं हुई, सारी एक रात बैठा रहा। तरह से 11वें बैठा हुआ प्लेनेट पंचम को देखता है ना, बिल्कुल बिल्कुल पंचम घर आपकी खुशियों का है, आपकी एंटरटेनमेंट जोन है, बिल्कुल तो एक माध्यम से वो भी एक्टिवेटेड है, ठीक है जी। बिल्कुल जी कीर्ति जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? प्रणाम जी बोलिए, बताइए आप अभी अपने घर के कौन से डायरेक्शन में बैठी हैं? सर। मैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट की भी आपने स्क्रीनशॉट ली, जो डिग्री का जोन है 304 से लेके 326.5 तक आता है। आपकी कुंडली में अगर आपको केपी आती है तो आपके कौन से भाव में ये डायरेक्शन पड़ती है? ये भाव में तो नहीं, वो नहीं आती केपी मुझे, सिर्फ ये चंद्र की डायरेक्शन है और चंद्र मेरा 8th हाउस में। नहीं, चंद्र की डायरेक्शन नहीं है मैम, आपके केपी भाव में हाँ कहीं ना कहीं, जैसे 360 डिग्री है ना, ठीक हाँ है, तो आप देखिए आपका 10th और 11th राशि कौन से भाव में आ रही है? तो वेयर इज द 10th राशि रिटन इन योर चार्ट एंड वेयर इज द 11th राशि रिटन इन योर चार्ट? 10th नंबर की राशि दूसरे घर में है और 11 नंबर की राशि तीसरे घर में, दोनों तो शनि। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब आप बैठती हैं हाँ आप फैमिली के प्रति, दूसरा घर फैमिली है, ठीक हाँ है, हाँ उनके प्रति आपका, अगर ये आपकी कुंडली की डायरेक्शंस ठीक हैं जो अभी आपने मेरे को नहीं, आपने बताई। 10, हाँ 10 नंबर और 11 नंबर कहाँ लिखा यही पूछा ना मुझे। देखिए ऐसा है ना, ये प्लेसिडियस प्लेसमेंट है ना, हाँ आपकी ये राशि ओवरलैपिंग होके पहले घर में भी आ सकती है, ठीक है, तो हाँ अगर आपकी ये राशि की डायरेक्शंस आपके माध्यम से, आप नॉर्थ वेस्ट में बैठी हैं और आपकी कुंडली 9 नंबर की है, यानी कि धनु लगन की है जो आप बोल रही नहीं हैं मेरे नहीं को, नहीं वृश्चिक लगन की है, 8 8 नंबर। 8 नंबर की है, फॉरगिव मी, 10 और 11 3 और 4 में है, मुझे तीन और माफ कर। चार में आती हैं, ठीक है ना, तो हाँ जब भी आप इस डायरेक्शन में बैठेंगी हाँ आपको शांति मिलेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि चौथा घर आपकी मन की शांति है, माँ की गोद है चौथा घर, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सुख कंफर्ट्स इस डायरेक्शन में घर के बैठ के मिलते हैं। बराबर। तो यहाँ से वर्क स्टेशन बना सकते हैं हम।
क्या कर सकते हैं? मतलब वर्क स्टेशन की क्लाइंट से बात करना, कुछ स्टडी करना, ये सब यहीं से करेंगे चलेगा? मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ मैम कि इस डायरेक्शन में बैठ के आपके कुंडली का कौन सा भाव एक्टिवेटेड है, इस डायरेक्शन में बैठ के आप अपनी मदर से भी बातें करती हैं, आप कंफर्ट लग्जरीज के बारे में सोचती हैं इस डायरेक्शन में बैठ के। अगर आप यही 3 नंबर में अगर ये आ रही होगी आपकी तीसरे भाव में ये डायरेक्शन, तो आपका मन करेगा कि भैया मैं कहीं घूम आऊं, ठीक है, मैं अवे फ्रॉम होम चली जाऊं, मैं कोई मार्केटिंग कर लूं, मैं कोई सोशल मीडिया देख लूं, यूट्यूब देख लूं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर लूं जो तीसरे भाव से संबंध रखती है, या अपने छोटे बहन भाइयों से बात कर लूं, छोटी दूरी की यात्रा कर लूं। चौथा घर आपका इंटरेस्ट है, तीसरा घर हॉबीज है। तो इन दोनों जोन्स में आप बैठ, जहां अभी बैठी हैं, आप अपनी हॉबीज और अपने इंटरेस्ट की चीजें करती हैं, करती हैं या नहीं करती हैं? बराबर है, मैं एस्ट्रोलॉजी जो भी सीखना है यहीं से लैपटॉप लगा के यहीं से सीख। देखो मैं तो आपके घर में नहीं आया, आपने मेरे को डायरेक्शन बताई, मैंने दो भावों को कनेक्ट करके जहाँ पे ये डायरेक्शन आ रही है वो हॉबीज की भी है और चौथा घर इंटरेस्ट का भी है। तो इस डायरेक्शन में आप हॉबीज भी अपनी करेंगी अगर वो तीसरे घर में आ रही है, अगर चौथे में आ रही है तो आप घर की इंटरेस्ट की चीजें जो आपको इंटरेस्ट देती हैं चीजें वो कार्य करेंगी, ठीक है। तो ऐसी आप इन डायरेक्शनों से कि आपके घर का द्वार कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन है, उस घर की उस डायरेक्शन से। पर आपने मुझे 10-11 नंबर पूछा, मतलब सैटर्न के राशि पूछे ना? कोई बात नहीं, सैटर्न की होने दो, वो तो सैटर्न की राशि आएगी ना अगर आपका 8 नंबर का लगन है। मैं तो आपको सिंपल ये बता रहा हूं, आपकी आप इस डायरेक्शन में बैठ के ना अपनी कैश लिक्विडिटी के बारे में भी बहुत सोचती हो। सही जी, बराबर है ना? हाँ, क्यों सोचती हो? क्योंकि चौथा घर आमदनी का दरिया है, चौथा घर बहता हुआ शीतल जल है, चंद्रमा का है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जब बैठती हो ना खर्चा करा करो। अब बोलो ये क्या रेमेडी दे रहे हो यार, खर्चा करा करो। जितना खर्चा करोगी ना इस डायरेक्शन में बैठ के उतना बढ़ेगा आपका आमदनी का दरिया। चलो आपको सूत्र दे दिया, क्या बात है। ओके, आपको कभी भी पैसा चाहिए हो ना इस डायरेक्शन में जाके बैठ जाना। अच्छा, और कह देना कि भैया मैं खर्चा कर रही हूँ, एडवांस दे दिया, इस डायरेक्शन में बैठ जाना, आपके पास उस सामान की पेमेंट आ जाएगी। कहाँ से आएगी मेरे को नहीं पता, क्या बात, खर्चा करना है आपने। थैंक यू, ठीक है जी। हाँ सर जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? जी अनुपमा जी, आपको कोई डायरेक्शंस के बारे में पता है? मैम एक मिनट, अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं हो रहा क्या? मैंने तो अपनी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया है, आप देखिए अगर आपका अनम्यूट होता है तो। चलिए जब तक आप अनम्यूट करिए। जी श्वेता जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपने हैंड रेस कराया ना श्वेता जी? हाँ किया मैंने जी मैम जी। प्रणाम सर, मैं अभी वेस्ट डायरेक्शन में बैठी हूँ। कौन सी डायरेक्शन में बैठी है? वेस्ट में। हाँ, तो वेस्ट की जो डिग्री है 259 की है और 281 तक जाती है। अब आप अपनी
कुंडली में देखिए कि आपका कौन सा जोन में, कौन से घर में ये एक्टिवेशन हो रहा है, कहाँ फॉल कर रही है ये डिग्री। सर टेंथ में, क्योंकि 282.48 है टेंथ का डिग्री। 282 हो गया ना, तो इसे टेंथ के बाहर हो गया ना, ये तो नाइन्थ में आएगी ना आपकी। ओके नाइन्थ में आएगी, आपकी नाइन्थ में आएगी ना। हाँ नाइन्थ इज 257.36 मेष लगन है। तो जब भी आप मैम इस डायरेक्शन में भागे बैठेंगी, आपकी रुचि हायर स्टडीज की तरफ रहेगी, आप पढ़ाई अच्छी करेंगी। जब भी आप इस डायरेक्शन में बैठती हैं, आपका भाग्य साथ देता है। जब भी आप इस डायरेक्शन में बैठती हैं, आप अपने फादर के बारे में या अपने गुरुओं के बारे में आपका विचार रहता है। जब आप इस डायरेक्शन में बैठती हैं, तो आपको जिसे बोलते हैं कि नौवां घर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप जब इस डायरेक्शन में बैठती हैं, लंबी दूरी की यात्रा करने की सोचती हैं। जब आप इस डायरेक्शन में बैठती हैं, तब आप एथिकल चीजें सोचती हैं, गलत चीजें नहीं सोचती हैं। जब आप इस डायरेक्शन में बैठती हैं, आप किसी रिलीजियस प्लेस या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने की आपकी मन में इच्छा आती है। अब ये जो चीजें बोली हैं, ये ठीक है या गलत है बताइए। सर एकदम ठीक है, लाइक मैं पूरे टाइम ऐसे लंबी यात्राओं के लिए और पितरों के लिए यही सब सोचती हूँ। और मैंने तो बस आपने डायरेक्शन बोली, आपने कहा इस घर में आ रही है, तो मैंने तो कुछ जादू नहीं करा, मैंने तो सब कुछ आपका बता दिया कैसे। ये है एस्ट्रो वास्तु, कौन सी डायरेक्शन आपके घर में आपको पीड़ा देगी, कौन सी डायरेक्शन आपके घर में जहां आप बैठोगे नींद उड़ा देगी, कौन सी डायरेक्शन आपके घर की जब बैठोगे आपको लॉसेस लाएगी, कौन सी डायरेक्शन जब आप बैठोगे आपको बीमारी देगी। ये सारी चीजें आप इस कोर्स में डिकोड कर देंगे। आपकी एंट्रेंस, आपकी एंट्रेंस, एक मिनट लेता हूं मैम, आपकी एंट्रेंस, आपका टॉयलेट, आपका बेडरूम, आपका ड्राइंग रूम, आपका किचन, आपके बच्चों का एरिया, आपका प्ले एरिया, कौन से घर को एक्टिवेट कर रहा है, ये सब आप डिकोड कर दोगे। इस एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से आप रेमेडीज परफॉर्म कर लेंगे, लोगों को रेमेडीज देंगे, चौंका देंगे। जी मैम बोलिए, अभी आप कौन से डायरेक्शन में बैठी हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा मैं नॉर्थ साइड में बैठी हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन में बैठी हैं। 349 से लेके 11.5 तक आएगा ये डायरेक्शन। देखिए आपके कौन से घर में, यानी कि 12वें घर में या पहले घर में जहाँ पहली नंबर राशि या 12वीं नंबर राशि आ रही है, तो कौन से घर में आपके पड़ रही है, कौन से भाव में पड़ रही है। एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट मैम, जस्ट गिव मी टू मिनट्स, एक मिनट मैं ले। आप अपने तब तक चार्ट में चेक करिए जरा। एक बार रिपीट करेंगे आप, आपने क्या पूछा?
जी मैम बताइए कि ये आपके घर के कौन से डायरेक्शन में आ रही है, कौन से कुंडली के माध्यम से? अभी तो मैं नॉर्थ साइड में हूँ और मेरी लग्न तो कन्या राशि है। चार नंबर का है जी आपका लग्न, तो या तो आपका नाइन्थ हाउस या फिर आपका टेंथ हाउस जो मैंने आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बोली जी, तो ये है ऑलमोस्ट। हो सकता है कि एट्थ भी कहीं एक्टिवेटेड हो, आठवां या फिर आपका नौवा घर। कर्क लगन बोला ना आपने? नहीं आपने कन्या बोला, सॉरी। कन्या में ये तो सातवां आएगा या फिर आठवां आएगा। तो क्या आप, अगर यही आपकी कुंडली में ये जो डायरेक्शंस मैंने बोली है इसी जोन में आ रही है, क्या आप इस डायरेक्शन में बैठ के ज्यादा बातें करती हैं लोगों, यू लव लाइक इंटरैक्टिंग विद पीपल व्हेन यू सिट इन दिस डायरेक्शन, या आप कोई व्यापार करने का सोचती हैं, किसी प्रकार की पार्टनरशिप का सोचती हैं, किसी प्रकार का बिजनेस के भाव आते हैं आपके मन में जब आप इस डायरेक्शन में सोचती हैं, आप अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस के बारे में सोचती हैं, आप किसी इस डायरेक्शन में बैठ के आप अपनी डेली इनकम के बारे में सोचती हैं कि मेरी डेली इनकम कैसे आए जब इस डायरेक्शन में बैठती है, या फिर आठवें भाव में भी ये राशि अगर एक नंबर की पड़ रही है और वो वहां पे जोन आ रहा है, फॉल कर रहा है आपका, तो हो सकता है कि आप ऑकल्ट की तरफ आपकी रुचि हो, क्योंकि आठवां घर एक नंबर राशि आठवें घर में आ रही है आपकी कन्या राशि के हिसाब से। हो सकता है कि जब आप इस डायरेक्शन में बैठे आप अपने इनलॉज के बारे में सोचती हैं, आप जब इस डायरेक्शन में बैठे अगर ये आठवें भाव में आ रही है, आप किसी विंडफॉल गेन की एक्सपेक्टेशन करती हैं जब आप इस डायरेक्शन में बैठती हैं, क्या आप सोचती हैं कि भाई क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति का पैसा है, आपका पैसा नहीं है, तो वो पैसा आना था, या जब इस डायरेक्शन में बैठती हैं आपको कोई हिंड्रेंसेस मिलती हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस मिलती हैं, ऐसा कुछ है? आपकी ये जो डायरेक्शन है सप्तम भाव में आ रही है या अष्टम में आ रही है, इसकी प्रिडिक्शन ये बनेंगी, आप मेरे को बताइए ये ठीक है या नहीं है। बिजनेस की तो बात नहीं दिमाग में आती है, हाँ लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे बैठ के कुल मतलब मैं आपको बहुत कुल महसूस करती हूँ। तो फिर वो आपका जो ये आपकी अगर आप केपी चार्ट से देखेंगे ना, तो ये आपकी जो डायरेक्शन आ रही है ये एट्थ और नाइन्थ हाउस में आएगी। अगर आप अपना केपी चार्ट देखेंगे वहां आपको एक नंबर डायरेक्शन भी मिलेगी और नाइन्थ हाउस में भी एक नंबर डायरेक्शन मिलेगी, सेकेंड हाउस में और आपको थर्ड हाउस में सात नंबर की ही डायरेक्शन मिलेंगी, वो क्योंकि प्लेसेडियस प्लेसमेंट की वजह से। अगर आपका नाइन्थ हाउस आप स्पिरिचुअलाइजेशन फील करती हैं, आप रिलीजियस फील करती हैं इस डायरेक्शन में, आप एथिकल फील करती हैं, ठीक है, तो फिर आपका नाइन्थ हाउस एक्टिवेटेड है। आप अगर अपनी डायरेक्शंस एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगी तो आप पाएंगी कि इस डायरेक्शन में बैठ के आपकी वो घर की पावर्स एनहांस हो जाती हैं, आपका पढ़ाई करने का मन करेगा, ठीक है, आठवें घर की पढ़ाई करने का मन करेगा क्योंकि आठवें को नौवा घर एनहांस करता है, ठीक है, आप किसी प्रकार की हायर लर्निंग करने की सोचेंगी ऑकल्ट की, ठीक है, तो आपका फिर वो जो प्लेसेडियस के प्लेसमेंट के भाव जो केपी के हैं उसमें ये राशि उधर फॉल करेगी। इस डायरेक्शन में बैठ के आपका भाग्य साथ देता है नहीं देता? फिर भाग तो साथ मतलब ऐसा महसूस तो नहीं कर पाई अब तक जी, भाग साथ देता है नहीं, मुझे नहीं लगता भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि ये आपकी राशि ना इसलिए नहीं दे रहा अगर इस डायरेक्शन में बैठती, क्योंकि अष्टम को भी लेके चल रहा। भाग्य स्थान में तो शनि बैठा हुआ है। नहीं नहीं शनि बैठा रहने दो, अभी तो मैं प्लैनेट्स की बात ही नहीं कर रहा कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, ठीक है, अगर वो क्योंकि आपकी ओवरलैपिंग हो रही है आठवां घर और नौवां घर आ रहा है, तो जब तक आप
आठवें घर को में नहीं आओगी तब तक भाग्य नहीं आपका साथ देगा। तो जब से आप ऑकल्ट कर रही हैं, तब से आपको लगता है कि आपका भाग्य कुछ साथ देने लगा? नहीं। कब से कर रही हैं आप ऑकल्ट? ये मतलब प्रैक्टिस की बात पूछ रहे हैं ना आप? ये जो एस्ट्रोलॉजी है कब से कर रहे हैं आप? हमारी हो गई 10 साल हो गई है। 10 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो 10 साल से अगर आप कर रही हैं, तो आपको कहीं एहसास हुआ, कहीं पीस मिली या नहीं मिली जब से आप ये ऑकल्ट में आई हैं? आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी कम हुई या और बढ़ गई एस्ट्रोलॉजी कर से? आपकी जो जीवन की प्रॉब्लम्स थी, ऑल ऑफ अ सडन जो हो जाती थी चीजें, वो उसी पेस से होती है जो पहले होती थी जब आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही हैं, या कम हो गई? ये बहुत विस्तार वाली बात हो जाएगी जी। ये बहुत विस्तार वाली बात हो जाएगी, लेकिन मुझे मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मतलब प्रैक्टिस से ज्यादा मैं दूसरे को जो प्रेडिक्ट करती हूँ या सजेस्ट करती हूँ, तो मतलब मुझे बहुत मुझे हाई एक थॉट पर लेके जा रहा है ये ज्योतिष प्रैक्टिस से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पावर की तरफ मुझे लेके जा रहा है। मुझे लगता है मुझे और पढ़ना और जानना ऐसा कुछ है कि जो मैं जान नहीं पा रही, थोड़ी मुझे और जाननी है। तो ऐसे ही इसलिए क्योंकि नौवां घर स्पिरिचुअलाइजेशन का है, ठीक है, तो आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड है, इसलिए आप इस ऑकल्ट में 8वें में भी आ रही है वो राशि, 9th में भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करके ऑकल्ट के फील्ड पे ही कोई एक अलग लेवल पे पहुंचना चाहती हैं, इस डायरेक्शन में आप बैठेंगी, तो आपका जो दुर्भाग्य है ना वो आपका साथ देने लग जाएगा। जब भी आप इस डायरेक्शन में बैठिएगा, अपनाइएगा इसको, अगर आपकी कुंडली में यही डायरेक्शन हैं इन भाव में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपने केपी चार्ट में एग्जैक्ट डायरेक्शंस देखिए, अगर यही है तो फिर ये डायरेक्शंस आपको सपोर्ट करेंगी, नहीं तो जो आपकी कुंडली में 8th और 9th हाउस की आ रही है डायरेक्शंस, उसमें बैठी है, तो आपका ऑकल्ट यानी कि आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी पीड़ाएं, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा, ठीक है? तो घर की हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ बोलती है, क्योंकि ये 45 देवताओं की एनर्जीज है इस भवन में, जिस भवन में आप रहती हैं, उस भवन के भीतर की जो स्पेस है ना वो आपका आकाश है। तो जब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये एनर्जीज वहां भी एक्सट्रैक्ट होंगी और वहां भी प्रॉब्लम में रहेंगी। वहां आप पाएंगे कि वो प्लैनेट्स अपना असर दिखा रहे हैं, तो आपको उन दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा। जी शिव कुमार जी, जी बोलिए सर। नमस्ते, क्लैरिफिकेशन सर, पहले मैं वो नॉर्थ का डायरेक्शन में बोला था, नॉर्थ में काल पुरुष का वो 6th हाउस आता है आपका, यू नो अष्टावस्त्र में नॉर्थ इट से कन्या राशि में आता है बुध का, उधर वो देखेंगे तो 150 से 180 तक कन्या राशि आता है, वो नॉर्थ दिखाता है अष्टावस्त्र। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, अभी जो आप बैठी हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आप नॉर्थ में बैठे हैं अपने? हाँ, नॉर्थ का एंट्री है हमारा, आपके घर की एंट्री नॉर्थ की है। हाँ ठीक है, तो नॉर्थ की अगर आपके घर की एंट्री है तो 349 से लेके 11.5 तक होगी। ओके, तो अब आप देखिए कि आपके घर में कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है। सर मेरा सेकेंड भाव, थर्ड भाव 357 के बाद में आता है, 323 तक, 323 से 357 तक सेकेंड भाव आता है। सेकेंड आता है, उसके थर्ड चालू होता है आपका? हाँ चालू होता है, अभी मैक्सिमम 340 इधर है ना, 357 तक डिग्री है इधर, 349 से 11.5, 349 शुरू वो सेकंड भाव में आता है। जब से आप इस घर में अपने आए हो,
हाँ ओके दूसरा घर क्या है? ज्वाइंट फैमिली का है? हाँ 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 दूसरा घर धन का है? हाँ हाँ एक्यूमुलेशन हर प्रकार की है, नॉलेज का है? ओके ठीक है। तो जब से आप इस घर में आए हैं ये एंट्री आपके धन भावों को एनहांस करती है, आपके खान पकवान को दिखाती है, आपका जो पैटर्न है मतलब खान पान, मतलब कि आपको आपका मन करता है खाने पीने को भी अपने घर में बैठ के, ठीक है। इस डायरेक्शन से जब आप आते हैं, ठीक है, आपका झुकाव किसी प्रकार का धन एक्यूमुलेशन में रहता है, आपका मन आपका ध्यान किसी प्रकार की नॉलेज लेने में एक्यूमुलेशन में रहता है जब से ये आपके घर की एंट्रेंस हुई है। ओके तीसरा घर भी एक्टिवेटेड है, तो अगर कुछ पार्ट वहां भी आ रहा है, आ रहा है सर। थर्ड हाउस है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप इस घर में आते हैं, आपकी विल पावर बढ़ती है। ओके आप इस घर इस डायरेक्शन में जैसे घर में एंटर करते हैं, आपका मन करता है कि भैया आप किसी प्रकार की नेटवर्किंग करें, किसी प्रकार की सोशल मीडिया देखें, किसी प्रकार की आप मार्केटिंग एक्टिविटी करें, किसी प्रकार की कमीशनिंग का भाव करें, या यूट्यूब करें, या सोशल मीडिया करें, या नेटवर्किंग बेसिकली करें, या अपने आस पड़ोस से भी आप अपने संबंध बनाए। ओके ठीक है ओके आप मेरे को बताइए जो चीजें मैंने बोली हैं। आप क्या क्या बोला है? अपन 80-85 तक वही चल रहा है इधर। मैं इधर घर में आने के बाद में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन ले लिया। अरे एक बार इसको डीप स्टडीज अक्वायर्ड नॉलेज अक्वायर करने के लिए अक्वायर कर, चिंता 24 आवर्स वही चलता रहता है। उसके साथ साथ कमाई को भी कंसल्टेंस भी चल रहा है। मेरा मैक्सिमम स्टडी वो यूट्यूब में चल रहा है, ऑनलाइन में क्लास में चल रहा है, वो ही चल रहा है। यूट्यूब ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस एंड कंसल्टेंसी एंड नेटवर्किंग वही चल रहा है। ये घर की डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है। थर्ड हाउस की एक्टिविटीज को यूज कर रहे हैं तो आपको धन आ रहा है। डेफिनेटली सर। अगर आप थर्ड हाउस को यूज नहीं करेंगे तो आपको धन नहीं आएगा। चलो आपको एक रेमिडी दे देता हूँ, आप ये थर्ड हाउस को यूज करने के साथ थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी करा करें तो भी आपको धन मिलेगा। ओके व्हेनेवर यू गो अवे फ्रॉम योर होम यू विल मेक मनी। या ओके पीपल क्या अस्ट्रो वास्तु के लिए कंसल्टेंट्स के पूछ रहा है। मैं उधर वाएंगे तो समय ज्यादा वेस्ट होता है, इसलिए इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अस्टर वास्तु करने के लिए बायर जाना पड़ेगा उधर, वो शुरू करेंगे तो बायर ही जाके देखना पड़ेगा। इसलिए अभी तक मैं वास्तु कंसल्ट बायर जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। करेंगे तो वो एक्टिविटी हो जाता है। अगर आप करेंगे तो आपको धन लाभ मिलेगा। अगर आप छोटी दूरी की यात्रा करेंगे ठीक है तो आपको धन लाभ होगा, आपका सेकंड हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा ये घर की डायरेक्शन से। ओके ठीक है ओके। मैं नॉर्थ वेस्ट में बैठा हूँ, उसका डिग्री इधर 304 से 326 आ रहा है। यस 304 से 326 मेरा 289 से फर्स्ट डिग्री शुरू होता है, 320 से 323 खत्म होता है, 323 सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है। इसके फर्स्ट एंड सेकंड बीच में वो आ रहा है। वो ना मैं 304 से लेके 326 तक कौन सा घर आ रहा है आपका? मैं सेकंड हाउस 323 खत्म हो जाता है शुरू 323 शुरू होता है। फर्स्ट हाउस 288 डिग्री में शुरू होता है, सेकंड हाउस 323। घर में जिस डायरेक्शन में बैठे हैं आप कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में बैठे हैं, आप इस डायरेक्शन में बैठते हैं आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं इस डायरेक्शन में बैठ के। यू आर सेल्फ पोजेसिव इन दिस डायरेक्शन वंस यू सेड बिकॉज योर फर्स्ट हाउस यू वॉन्ट टू मेक योर नेम फेम
फर्स्ट हाउस बेसिकली आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं इस अपने बारे में. ओके यू थिंक मोर व्हेन यू सिट इन दिस डायरेक्शन. ओके यू थिंक ऑफ योर अपीयरेंस योर लुक्स और एनीथिंग रिलेटेड बॉडी माइंड एंड सोल. इन दिस डायरेक्शन योर बॉडी माइंड एंड सोल इज एट पीस यू नो बिकॉज यूर थिंकिंग योर बॉडी ऑल्सो वर्क when you sit in the northwest direction your mind also works and your soul is also synchronized. Is that the thing? Yeah actually mai 23 wo shuru hota hai second house chalo wo overlapping ho rahi hai but major overlapping ho gaya hai portion to sir aapka first house mein hi aa raha hai na. Ha first and second club ho raha hai udhar. Club to thoda mota ho raha hai wo 223 hai aur ye 220 326 पे खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा तो थोड़ा लैपिंग उधर रहेगा बट मेजरली वंस यू सिट इन दिस डायरेक्शन आप कहते हो मैं हूँ. व्हेन यू सिट इन दिस डायरेक्शन ओके ओके यू से दैट आई एम लिसन टू मी व्हेन यू सिट इन दिस डायरेक्शन ओके ओके इज दैट द केस व्हेनेवर यू सिटिंग इन दिस डायरेक्शन आप कहते हो मेरी सुनो भाई मैं okay. जो तुम्हें बता रहा हूँ उतना कड़क नहीं हूँ मैं सर. फ्लेक्सिबल बहुत एकदम फ्लेक्सिबल हूँ. ठीक है आप फ्लेक्सिबल होंगे बट आप इस डायरेक्शन में बैठ के आप अपने बारे में नॉलेज एक्वायर करने के लिए कमाई करने दोनों ही चल रहा है जो भी है मतलब यू थिंक अ लॉट अबाउट योर सेल्फ इन दिस डायरेक्शन. You think of your personality, you think of your looks, you think of everything which is associated to you. Okay. ठीक है? Okay. So this is what you are doing by sitting in this direction. You are activating your first house. Okay. जब आप इस direction में बैठेंगे, तो ये अच्छी health भी देगा. Okay. Because first house is of your health also. Okay. ठीक है जी? ओके सर इसमें मैं सेलेक्ट भी करता हूँ ना एग्जांपल 9th में कौन सा डायरेक्शन उधर भी बैठ सकता हूँ काम कर सकता हूँ 11th 9 एंड 11th अच्छा है ना सर इधर में टोटल डिग्री वो भी सर सेलेक्ट कर सकता है पर्सनली में बिल्कुल कर सकते हो आप ऑकल्ट का काम कर रहे हैं. हाँ 9th और विल एनहांस योर ऑकल्ट करियर. ओके एंड 11th इज योर गेन्स प्रॉफिट्स. ओके So you can sit, you will be more ambitious, you will have high expectations. Okay. When you sit in the 11th house. If it 11th house. Okay. 11th house at 234 degree aa raha hai sir. 230. तो ठीक है तो उस direction में अगर आपका 274 degree आ रहा है. No, 234. So that direction is your west direction of your house. 234 is साउथ वेस्ट आ रहा है सर. 214 से 236 है मेरा 234 11 इधर 11th है वो बॉर्डर है 234. तो फिर आप साउथ वेस्ट में बैठ सकते हैं. ओके साउथ वेस्ट में करो 11 सेलेक्ट कर सकता है मैं. ओके यस इट इज गोइंग टू एक्टिवेट योर 11th हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ओके ठीक है तो तब आपको लाभ आएगा. You will get profits. Okay. But you will connect with your social circle. Okay. So here 316 direction convert करेंगे तो ऐसा degree आता है. Normally में एक मेरा question है वो north direction कन्या राशि में आता है उधर 150 से 180 तक degree आता है ना वो normal कुंडली में check करेंगे. Normal में जो आता है that is the heat theory. Okay. That is 12 zones. करेक्ट जो एक शक्ति चक्र है वो जीरो डिग्री से चालू होता है ना. ओके प्लस माइनस 10 की वेरिएशन लेफ्ट हैंड पे होती है. कंपास होता है 10 की वेरिएशन राइट हैंड साइड पे होती है वो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा. ओके सो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ओके इज 349 टू 11.5 दैट इज स्पाइसेस मीन राशि आता है उधर. आपका जो भी राशि आ रहा है वो बात अलग है कुंडली का अलग अलग आएगा. ओके तो इस माध्यम से इस कोर्स में जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को सर आपके टॉयलेट्स क्या करेंगे कौन सी डायरेक्शंस में है
आपके बेडरूम्स क्या करेंगे, आपका ड्राइंग रूम क्या करेगा, आपका प्लेइंग एरिया क्या करेगा, आपका स्टडी रूम क्या करेगा, कौन से ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठे हैं कौन से डायरेक्शन में एग्जॉल्टेशन पालेंगे। अगर आप उस डायरेक्शन में बैठ के काम करेंगे उन ग्रहों का आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। ओके ओके ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी जी। और किसी का कोई सवाल है? जी करण जी, आपका कोई सवाल है क्या? ये सवाल, इस कोर्स मतलब जो आप बता रहे हो ना, वो ये कोर्स कहाँ कैसे और कहाँ से की जा सकती है, क्या करना है आपको? नहीं, ये जो एस्टो, आपने एस्टो वास्तु कोर्स के है ना सब, मैं पिछले वीडियो में देखी नहीं थी, तो मैं आज ही आपको ओपन कर रही हूँ। तो ये एस्टो वास्तु से संबंधित कोर्स कहाँ से कैसे की जा सकती है, आप इस बारे में बताएंगे? ये हम लॉन्च कर रहे हैं ना ये कोर्स मैम, 16 तारीख से है ना ये कोर्स, तो ऑनलाइन दे रहे हो आप? हाँ ऑनलाइन होगा, हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी 9 से 11 बजे की। अच्छा। इस कोर्स की, और इस कोर्स के साथ आपको रिस्ट वॉच पद्धति फ्री में पढ़ाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एक और कोर्स है हमारा रिस्ट वॉच, जो एस्ट्रो वास्तु ज्वाइन करेगा हमारा ये कोर्स, उसको हम रिस्ट वॉच का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। हाँ, वो मैं देख रही थी। तो आपको एक कोर्स के साथ, आप जिस भी उस पे हैं, आपने जो ज्वाइन करा है, आपने वो ग्रुप से ज्वाइन करा होगा ना कोई, तो उस ग्रुप पे सारी डिटेल्स इस कोर्स की आ जाएंगी। आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, और ये जो पेमेंट 19,600 की है आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, ऑनलाइन क्लास को लेकर मैं थोड़ी, क्या होता है ना, मैं प्रॉपर्ली अटेंड, मतलब अटेंशन नहीं हो पाता, तो जिसे आपको इसके वीडियोस मिलेंगे, आपको इसकी पीपीटीज मिलेंगी, आपको पूरी वास्तु की हैंडआउट्स मिलेंगे, और जो वीडियोस हैं वो आपको ऑलमोस्ट जैसे आज क्लास होगी तो अगले दिन तक मिल जाते हैं आपको। ज्यादातर मेरी कोशिश प्रयास ये रहता है कि आप सुबह उठें तो आपको वीडियो मिल जाए। जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से वो क्लासेस अटेंड करी हैं, तो उनको पता है कि अगर रात को 12 बजे भी क्लास खत्म होती है तो उनको सुबह 7 बजे से पहले पहले उनकी ईमेल आईडी पे वो वीडियो होता है। और इसके अलावा आपने कोई पुस्तक भी निकाली है क्या एस्ट्रो वास्तु से संबंधित? जी, कोई मतलब पुस्तक भी आपने लिखी होगी एस्ट्रो वास्तु से? नहीं, अभी मैंने कोई किताब नहीं लिखी, प्रयास है। जिस दिन 9th हाउस मेरा एक्टिवेट हो जाएगा उस दिन किताब छप जाएगी, अभी लिख रहा हूँ 3rd हाउस से। वैसे कुंडली में 3-9 मेरा बहुत भरा हुआ है, तो किताब अभी 1-2 लिख रहा हूँ, 1 केपी पे लिख रहा हूँ, एस्ट्रो वास्तु पे तो नहीं लिख रहा, 1 धर्मा कर्मा अलाइनमेंट पे लिख रहा हूँ, कौन से हाउस लॉर्ड्स कौन से घर में बैठ के कैसा फल देंगे, ग्रहों के बारे में लिख रहा हूँ, तो ये सारी चीजें लिख रहे हैं। बाकी लाल किताब के भी कोर्सेज चलते हैं हमारे, जेमिनी के भी होते हैं, टैरो कार्ड्स के होते हैं, पेंडुलम के होते हैं, ये सारे कोर्सेज ज्योतिष वंदना में होते हैं। हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकती हैं, ज्योतिष वंदना अ स्पिरिचुअल जर्नी, उस पे कम से कम अभी होंगे 80-90 वीडियोज होंगे हर एक टॉपिक्स पे, तो आप उनको सुन सकती हैं। सर, आपने रिस्ट वॉच क्लास करने के समय आपके कोर्स बोला, अभी चलता है, बाद नेक्स्ट मंथ में चलता है वो टोटल 1260V 122 कॉम्बिनेशन, हर एक प्लेस का कॉम्बिनेशन वो चल रहा है, उसका नाम बताया आपका, कौन सा पता नहीं, क्या बताया मैंने? ये क्लास शुरू करता हूँ, अब बहुत इजी अनुकूल होता है, तो नेक्स्ट मंथ में उधर एक 12 राशि का, उधर 12 प्लैनेट्स एंड 180 कॉम्बिनेशन आता है, हर एक प्लैनेट को एक एक घर में क्या क्या रहता है, ऐसा कोर्स भी है हमारे पास, क्लास करने के समय आप बोला था मैंने।
वो लाल किताब की है कि हर हर प्लैनेट वो निशाना सूत्र है। वो निशाना सूत्र है लाल किताब का, कौन सा ग्रह है। वो मैं आपको ऐसी स्टनिंग प्रेडिक्शन दे दूंगा हर ग्रह की। मैं आपको कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं, देखा ये ग्रह बोल दिया दूसरा व्यक्ति बोल दिया ऐसा ही है। वो लाल किताब का वो निशाना सूत्र है, वो अभी कोर्स आएगा अगले महीने। अभी तो ये जो लाल किताब निशाना सूत्र वेलकम। क्योंकि अभी लाल किताब का था वो हमारा खत्म हो गया। ओके सो वी विल डू दीस टू कोर्सेस आफ्टर दैट यू निशाना सूत्र। ओके निशाना सूत्र विल सर कम इन नेक्स्ट मंथ वी विल लॉन्च इट। ओके ओके सर ओके जी। चलिए और किसी का कोई सवाल तो नहीं। चलिए देन शुभ रात्रि। थैंक यू सर। गुड थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करें, ज्योतिष वंदना की फैमिली से जुड़े। ऑलरेडी जुड़ गया। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़े। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊं। और जो इतनी भी आपकी क्वेरीज होंगी इस कोर्स के दौरान वो दूर करूंगा। मेरे साथ ये है कि आपको मेरे पीछे नहीं पड़ना है किसी चीज पूछने के लिए। मैं आपके पीछे पढ़ता हूँ। तो यहाँ ये नहीं कि स्टूडेंट टीचर के पीछे पड़े या टीचर पीछे पड़ जाता है। एक बार नहीं, छह बार कि भाई आपको समझ में आ गया या नहीं आया। तो ये हमारी एक यूएसपी है इस कोर्स की। वो खैर मेरा भाव है। You will get a motherly treatment here. Yes. Not a teacher and a बस पढ़ाया और आगे चल दिया, ऐसा नहीं। जब तक क्लियर नहीं होगा मेरा मानना ये है कि आगे चलने का कोई फायदा नहीं है। Definitely. जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए तभी मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे जो भी है। अगर आप वास्तु का ये कोर्स ज्वाइन करते हैं एस्ट्रो वास्तु, तो वास्तु में आप किसी भी घर में जाके उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे। आपको ये डाउजिंग और ये सब चीजें नहीं चाहिए। आपने उस टाइम प्रश्न कुंडली बनाई, आपके पास कुंडली नहीं भी है तो भी आप उस कार्य को करके आ जाना, उसकी ट्रीटमेंट कर लेना। उसका जो वास्तु दोष है दूर हो जाएगा। जिस भी भवन में वो रह रहा है उसकी खुशी है, उसकी हार्मनी, उसकी पीस लौट आएगी। तो बस इसी चीज के आगे मैं ये अपना क्लोज करता हूं आज का सेशन। नमस्ते सर। और फिर जी नमस्कार। आपका फीस है सब उस थोड़ा ग्रुप में डाल दो। क्या हो गया? फीस कितना है ना वो सब ग्रुप में डाल दो ना। हाँ आप जो भी ग्रुप पे होंगी हाँ। ये सब डल जाएगा। अच्छा ठीक है ना। तो जाते जाते सिर्फ मैं ये बोलूंगा, समय करे मर क्या करे, हमें बड़ा बलवान। असर ग्रहों का सभी पर, परिंदा पशु और इंसान। शुक्रिया। शुभरात्रि। शुभरात्रि। गुड नाइट। शुभरात्रि एंड गुड नाइट। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।